हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने कैरी मिनाटे की ड्राइंग को किया था, फेस को किया था, तो आधा बनाया था हमने, तो इस वीडियो में हम इसको करेंगे कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। इसमें मैंने 4B पेंसिल के साथ एक लेयर को दे दिया था, तो अभी मैं 6B पेंसिल के साथ हेयर के स्ट्रोक्स को बनाऊंगा। हेयर के डायरेक्शन में हाईलाइटेड एरिया को छोड़ते हुए मैं इसमें स्ट्रोक्स को दूंगा, तो आप देखते रहिए कैसे बनाता हूँ। और इन सभी को अच्छे से ब्लेंड करूंगा मैं ब्रश के साथ। इसके ऊपर मैं एक और लेयर को दूंगा 8B पेंसिल के साथ डार्क को देने के लिए। तो 8B पेंसिल के साथ भी मैं हेयर के स्ट्रोक्स को दूंगा हेयर की डायरेक्शन में, इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा मैं ब्रश के साथ ही। फाइनली यहाँ पर मैं 10B पेंसिल का यूज़ करने जा रहा हूँ और ज़्यादा डार्क देने के लिए। तो 10B पेंसिल के साथ भी मैं हेयर में हेयर के स्ट्रोक्स को दूंगा हेयर की डायरेक्शन में, और इन सभी को अच्छे से ब्लेंड करूँ मैं ब्रश के साथ ही। तो इन सभी को और डार्क करने के लिए 10B ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ करूँ मैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ग्रेफाइट पाउडर के साथ कितना डार्क हो रहा है। ग्रेफाइट पाउडर को भी मैं हेयर के डायरेक्शन में ब्रश के साथ स्प्रेड करूँगा और अच्छे से ब्लेंड कर दूँगा। इसमें हाईलाइट्स को देने के लिए मैं यहाँ पर पेंसिल रेजर का यूज़ करूँगा। जहाँ यहाँ पर हाईलाइटेड हेयर है उसमें मैं पेंसिल रेजर के साथ हाईलाइटेड हेयर्स को दे देता हूँ। इन सभी को थोड़ा सा मैं ब्लेंड करूँगा ब्रश के साथ ताकि ये रियलिस्टिक लगे। नेक के पार्ट को मैं शेड करने के लिए 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा बिल्कुल लाइटली। सबसे पहले मैं 2B पेंसिल का इसमें शेडिंग दे देता हूँ और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगा मैं ब्रश के साथ ही। 2B पेंसिल के साथ इसमें मैं थोड़े से डार्क एरिया को दे देता हूँ। जो हमारे रेफरेंस पिक्चर में हमें डार्क एरियाज दिखाई दे रहे हैं ना, तो उन सभी को मैं 2B पेंसिल का सबसे पहले दूंगा। उसमें मैं डार्क को ऐड करते जाऊँगा लेयर बाई लेयर। इन सभी को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगा मैं ब्रश के साथ ही। तो गाइस मुझे आपको एक बात बतानी है, हमारी वीडियो ना 81% लोग वीडियो को सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को। प्लीज़ गाइस यार सब्सक्राइब तो कर लिया करो भाई के चैनल को, थोड़ी सी तो सपोर्ट दिखा दो भाई को दिल से। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसमें मैं 4B पेंसिल के साथ थोड़ा सा डार्क एरिया को दूंगा। तो ऐसे में लेयर बाई लेयर जितना मुझे डार्क चाहिए होगा उतने में लेयर्स को ऐड करूँगा, पर पेंसिल के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालूंगा गाइस। तो प्रेशर डालने से हम बिल्कुल भी लेयर बाय लेयर काम नहीं कर पाएंगे और जिससे हमारी ड्राइंग बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगेगी। तो इसलिए हमको पेंसिल के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, लेयर बाय लेयर काम करना है और बिल्कुल स्मूथली पेंसिल को चलाना है। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा मैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा मुझे और डार्क चाहिए, तो मैं 6B पेंसिल का भी यूज़ करूँगा डार्क को देने के लिए। अगेन उसको मैं ब्लेंड कर दूंगा ब्रश के साथ ही। नाउ आई वॉन्ट टू एड सम स्ट्रोक्स इन बियर्ड। तो 10B पेंसिल के साथ मैं बियर्ड में थोड़े से डार्क स्ट्रोक्स को दे देता हूँ जो हमारे बियर्ड के एजेस में है। पेंसिल इरेजर के साथ मैं थोड़े से हाइलाइट्स को दे देता हूँ। और 2B पेंसिल का उसमें थोड़ी सी मैं सेटिंग कर दूंगा उसके अराउंड, थोड़ा सा 2B पेंसिल का शेड कर देता हूँ और इनको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगा मैं ब्रश के साथ ताकि ये रियलिस्टिक लगे। तो ज्वेलरी में यहाँ पर सिर्फ एक चैन है, तो चैन को बनाने के लिए 2B पेंसिल के साथ सबसे पहले मैं शेड दूंगा हाईलाइट एरिया को छोड़ते हुए। तो इनको ब्लेंड कर देता हूँ मैं ब्रश के साथ। ब्रश के साथ ब्लेंड करने के बाद इसमें मैं 8B पेंसिल के साथ शेडिंग को दूंगा डार्क को देने के लिए। तो 8B के साथ शेडिंग को देने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगा और इसमें हाईलाइट को देने के लिए मैं पेंसिल इरेजर का यूज़ करूँगा। तो पेंसिल इरेजर के साथ मैं हाईलाइट एरिया को इरेज करूँगा। अभी बारी है बैकग्राउंड को कलर करने की। बैकग्राउंड में मैं HB ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ करूँगा बैकग्राउंड को कलर करने के लिए। तो ब्रश के साथ मैं ग्रेफाइट पाउडर को मैं जैसे स्प्रेड करूँगा और शेड करूँगा। टिश्यू पेपर के साथ इसको मैं स्मूथ करूँगा। तो ऐसे में सारे बैकग्राउंड में कलर कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने HB ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ किया लेकिन फिर भी ये डार्क दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा लाइट करूँगा मैं। इरेजर के साथ मैं लाइटली इसको इरेज करूँगा सबसे पहले, और टिश्यू पेपर के साथ इसमें मैं सेटिंग करूँगा ब्लेंड करके। तो अभी छोटे मोटे एजेस में जो एरियाज है उनको बनाऊंगा मैं, जैसे एयर में मैं 2B पेंसिल का शेडिंग को दूंगा और ब्लेंड करूंगा मैं ब्लेंडिंग स्नब के साथ उसको। लेफ्ट साइड में आई के एरिया में थोड़ा सा डार्क को दूंगा मैं आई के एरिया में, और चीक्स के एरिया में थोड़ा सा डार्क को दूंगा और उनको ब्लेंड करूंगा अच्छे से। अभी मैं 10B पेंसिल का डार्क हेयर के स्ट्रोक्स को दूंगा जो कि एजेस में है। टी शर्ट के एजेस में भी थोड़ा सा डार्क को दे देता हूँ मैं 2B पेंसिल के साथ ही।
तो इसी के साथ गाइस हमारी ड्राइंग बन के है रेडी। रिजल्ट देखिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको यह ड्राइंग कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे इस चैनल को नए हो तो ऐसी और मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।